बच्चों में एक लड़का और एक लड़की है और दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वहीं इस पूरे मामले में प्रसूता और उसके पति ने सुविधा शुल्क मांगने वाली डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो एटा समाजवादी पार्टी के लोगों का गढ़, यहां पर जिला अस्पताल का आलम आप देख लीजिए, यह है कि सुविधा शुल्क डॉक्टर मांगती हैं। नवजात का जन्म सड़क पर हो गया, महिला गरीब थी, पैसे नहीं दे पाई, 4000 रुपए उससे मांगे गए थे, नहीं दे पाई, उसे अस्पताल से लौटा दिया गया। रास्ते में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा है एक बेटी है। गनीमत यह है, शुक्र है कि दोनों स्वस्थ हैं। महिला ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। 108 एम्बुलेंस जिसका बढ़ चढ़कर प्रचार किया जाता है, वो भी आधा घंटे लेट पहुंची, वो भी एटा में। तो एटा, इटावा, मैनपुरी, यहां जब इस तरह की स्थितियां हैं तो बाकी प्रदेश का भगवान ही मालिक। तो महिला को अस्पताल से डॉक्टर ने भगाया, कोई खौफ नहीं अस्पताल के कर्मियों में। और ये पहली खबर नहीं है, इंडिया वॉइस यूपी के अस्पतालों के हालात कई बार दिखा चुका है। बारिश के दिनों में हमने दिखाया था कैसे मरीज को अस्पताल का स्टाफ बाहर फेंक देता था और भीगता हुआ रात भर पानी में मरीज पड़ा रहा था। यह भी यूपी के ही अस्पताल का हाल है, आगरा से वो खबर थी। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में संवेदनहीनता, डॉक्टरों की चालाकियां, भ्रष्टाचार, अस्पताल कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, ये यूपी के सरकारी अस्पतालों का हाल है।